यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता है तो हमारे पेट में कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस बनने की प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोजाइम सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। एरिस्टोजाइम एक ऐसा सिरप है जो हमारे खाने को आसानी से पचाने में मदद करती है। ये हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं स्टार्च होते हैं, वो आसानी से पचाने में मदद करते हैं, जिसके कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ठीक तरह से काम करने लगता है। ये मेरे हाथ में एरिस्टोजाइम सिरप है। ये एरिस्टोजाइम सिरप का ब्रांड दिया गया है, लिखा हुआ है एरिस्टोजाइम लिक्विड। यहाँ पर ये दिया गया है डाइजेस्टिव एंड पेप्सिन लिक्विड है ये। यहाँ पर ये बताया गया है ये पाइनएप्पल फ्लेवर में, ये पाइनएप्पल का फोटो दिया गया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बताया गया है 200 ml में आती है। इसके पीछे देखें तो यही इसमें इंडिकेशन ये पीछे दिए गए हैं। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें फंगल डाइजेस्टर होता है इसमें 50 mg और पेप्सिन होता है इसमें 10 mg। तो इस तरह से इसमें कंटेंट है। ये कंटेंट सारे पेट की प्रॉब्लम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के लिए दिए गए हैं। चल इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी MRP के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है सितंबर 2018 जो मेरे पास में, और एक्सपायरी इसकी है फरवरी 2020, और इसकी MRP 88.65 रुपये, मतलब 89 रुपये, 89 रुपीज़ की सिरप है ये। तो ये सिरप काफ़ी अच्छी यूजफुल सिरप है। चलिए इसकी ओपन और कर लेते हैं, इसको कार्टून से ओपन कर लेते हैं, उसको देखते हैं अंदर क्या है, इसके सिरप में क्या दिया गया है। ये मैंने सिरप को निकाल लिया है और ये ग्लास पैकिंग में, ये सिरप ग्लास पैकिंग है, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, और ये इसमें कैप भी दिया गया है, इसमें ये प्लास्टिक का कैप है। आप 10 से 15 ml तक यूज करने के लिए है, लेकिन आपको यदि नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो आप 10 ml ही यूज करें, और यदि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी दिनों से कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसका 15 ml सिरप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको खाना पचाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप ठीक तरह से खाना नहीं पचा पा रहे हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको फ्लैचुलेंस मतलब अफरा, जिसे है ना पेट फूल जाता है, पेट में सूजन जिसे बोलते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप ठीक तरह से भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप कई कई दो दो तीन दिन तक फ्रेश नहीं हो पाते हो, आप फ्रेश होने की इच्छा नहीं होती, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित खाना पचाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस सिरप का बेसिस एक आप यूज़ कर सकते हो। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अडल्ट के लिए 10 ml सुबह शाम, और बच्चों के लिए 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 5 ml सुबह शाम सिरप का यूज़ करना। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कब्ज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस सिरप का बेझिझक यूज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।